गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में वर्कशीट वन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वर्कशीट वन में हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसका नाम क्या है देखिए, एंड सर्कल द ऑड वन एंड राइट द टाइप ऑफ सर्कल्ड वर्ड। आपको क्या करना है, आपको जो भी इन चारों में से ऑड वन होगा उस पर आपको सर्कल करना है, और जिस भी वर्ड पर आप सर्कल करेंगे उसका आपको टाइप लिखना है। तो आपको इतनी बात समझ आई, आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑड वन होगा उस पर आपको सर्कल करना है, और जिस भी वर्ड पर आप सर्कल करेंगे उसका आपको टाइप लिखना है। जैसे देखते हैं, देखिए, तो जो हमारा पहला वाला जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या है, ब्राइट, फास्ट, बिग, डीप, ठीक है। तो आपको फोर वर्ड्स दिए हैं, ब्राइट, फास्ट, बिग, डीप। अब बताइए आप इनमें से आपका ऑड वन क्या है। ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला, ठीक है। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा। और डीप का मतलब क्या होता है बच्चों, गहरा। तो ब्राइट, ब्राइट, बिग और डीप, ये तीनों क्या हैं बच्चों, ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं। और फास्ट क्या है, एडवर्ब है। तो आपका ऑड वन क्या हुआ, फास्ट। अब आपको क्या करना है, आपका सर्कल्ड वर्ड क्या है, फास्ट। तो आप नीचे फास्ट लिखकर और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका टाइप क्या है, एडवर्ब है वो। तो उसके बाद आप फास्ट के नीचे क्या लिखोगे, एडवर्ब, क्योंकि फास्ट जो आपका सर्कल वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। वो किस टाइप में आता है, एडवर्ब के टाइप में आता है। चलिए अगला देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर का है वो क्या है, देखिए, शॉर्ट, लॉन्ग, लार्ज, सम। तो देखिए, जो हमारा सेकंड नंबर पर जो हमें ऑड वन दिया है वो क्या है, शॉर्ट, लार्ज, लॉन्ग, सम। आपको फोर वर्ड्स दिए हैं। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा। और सम का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए, बताइए क्या होता है, थोड़ा। तो देखिए, शॉर्ट, लॉन्ग, लार्ज, ये तीनों क्या हैं बच्चों, ये तीनों साइज हैं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों साइज हैं। शॉर्ट, लॉन्ग, लार्ज तीनों साइज हैं, और सम क्या है, क्वांटिटी है। तो देखिए, ये तीनों एडजेक्टिव ऑफ साइज हैं, और सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि जो सम है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो आप क्या करोगे, सम लिखोगे, उसके बाद उसका टाइप लिखोगे, क्या टाइप है उसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, अगला देखते हैं। तो अगला देखिए, थर्ड नंबर का क्या है, शी, यू, दीज, वी। तो देखिए, शी, यू और वी, ये तीनों क्या है बच्चों, ये आपकी पर्सनल प्रोनाउन है। और दीज क्या है आपका, बताइए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें ऑड वन हमारा क्या हुआ, बताइए, बोलिए क्या हुआ ऑड वन हमारा, दीज, है ना। तो आप क्या करोगे, दीज लिखोगे, उसके बाद आप क्या डालोगे, ऑड वन, दीज ऑड वन आउट है, तो उस पर आप क्या लिखोगे, दीज, और फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दीज क्या है बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पहले वाले में आपकी देखिए फास्ट एडवर्ब थी, सेकंड वाले में सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, थर्ड नंबर वाले में दीज, और वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए फोर्थ नंबर का देखते हैं। तो फोर्थ नंबर वाले में देखिए, टीम, काइट, सोफा, टॉय, ठीक है। अब देखिए बच्चों, टीम आपकी कलेक्टिव नाउन है, काइट आपकी कॉमन नाउन है, सोफा आपका कॉमन नाउन है, टॉय आपका कॉमन नाउन है। तो इसमें ऑड वन क्या है, बताइए। तो काइट, सोफा, टॉय, ये तीनों क्या है, कॉमन नाउन है, और टीम क्या है बच्चों, कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें ऑड वन क्या हुआ, टीम, क्या हुआ, टीम। तो टीम के बाद आपको क्या लिखना है, उसका टाइप, और वो कौन से टाइप में है, कलेक्टिव नाउन। अगला देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर का देखिए क्या है, सीता, मीना, रानी, गर्ल। आपको फोर वर्ड्स दिए हैं, सीता, मीना, रानी, गर्ल, और इसमें से बताइए आप ऑड वन क्या है। देखिए, सीता, मीना और रानी, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, और गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। तो इसमें आपका ऑड वन क्या हुआ, गर्ल, है ना, क्या हुआ बच्चों, गर्ल। तो गर्ल आपका कौन सी नाउन हुई, कॉमन नाउन।
तो आप क्या करोगे, गर्ल लिखोगे, उसके बाद उसका टाइप लिखोगे, वो कौन से टाइप की है, वो कॉमन नाउन की है। चलिए अगला देखते हैं। तो जो आपका 6 नंबर का है वो क्या है, हैज, वर, आर और एम। अब बताइए बच्चों, ये चारों ही आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं, आप जानते हैं। देखिए इसमें जो हमारा हैज है, आर है और एम है, ये हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, हैज़, आर और एम का यूज़ हम कब करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। लेकिन वर का यूज़ हम कब करते हैं बच्चों, पास्ट में करते हैं। हैज़, एम और आर का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं और वर का यूज़ हम कब करते हैं, पास्ट में करते हैं। तो बताइए इसमें आपका ऑड वन क्या हुआ, वर। और ये क्यों है ऑड वन, क्योंकि इसका यूज़ पास्ट में होता है और बाकी के तीनों का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे ऑड वन क्या है, वर। क्यों है, क्योंकि वो पास्ट में है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, देखिए, इज, डांस, विल, आर। अब बच्चों देखिए, इज, विल और आर, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं और डांस क्या है, हमारी मेन वर्ब है। तो इज, विल और आर, ये तीनों हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं और डांस हमारी मेन वर्ब है। तो इसमें हमारा ऑड वन क्या हुआ, बताइए आप, डांस। तो डांस हमारा ऑड वन हो गया। और इसका जो टाइप है वो क्या हुआ, मेन वर्ब। इसका टाइप क्या हुआ, मेन वर्ब। अगला देखिए, स्वीट, ब्लू, रेड, ग्रीन। आपको 4 वर्ड्स दिए हैं। देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों ही कलर हैं। और स्वीट क्या है, स्वीट क्या है, गुड़ है, किसी चीज़ का, किस कोई चीज़ मीठी है, उसकी क्वालिटी है कि चीज़ कैसी है, मीठी है उस। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, तो और ये तीनों एडजेक्टिव ऑफ कलर हैं। तो इसमें आपका ऑड वन क्या हुआ, स्वीट है ना, और इसका टाइप क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आपको वर्कशीट वन की जो एक्सरसाइज है वो समझ आ गई। बताइए आपको क्या करना है, आपको इसमें जो ऑड वन वर्ड हैं उनको सर्कल करना है और जिस भी वर्ड पर आप सर्कल करेंगे उसका आपको टाइप लिखना है कि आपने उसको सर्कल किया है और उसका टाइप क्या है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि फर्स्ट में जो आपका ऑड वन था वो फास्ट था, और क्यों था, उसका टाइप क्या था, बताइए कि वो एडवर्ब था। तो आपको समझ आ गई ये एक्सरसाइज। तो आज आपको होमवर्क में ये वर्कशीट वन की जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। कैसी राइटिंग में बच्चों, साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।